फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीहा, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी मछली चंबा वाले। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो आज मम्मा किचन में आ गए हैं। आज नवी भी ड्यूटी नहीं किया और मम्मी आज किचन में क्या बना रहे हैं आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मम्मी बना रहे हैं आज, बोलो, परांठा। और मम्मी इसमें आपने क्या क्या मैश किया? साग, धनिया और मेथी, कसूरी मेथी, हरी मेथी, हरी कसूरी मेथी। तो मम्मी ने इसको अच्छे से छोटे 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 पीसेस में ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंडर है हमारा ये छोटा सा देसी ग्राइंडर, बड़ा पुराना है ना ये। कहाँ लिया था हमने ये? जब हम कहाँ होते थे? त्रुटी में, शायद इस समय थे तब का, हमारे क्वार्टर टाइम का ये, जब हम पापा के साथ रहते थे तब का। और मम्मी ने यहाँ पे आटा गूंथ लिया है और अब बन रहे हैं परांठे। तो चलो अब आप इसमें क्या मिक्स करोगे? हरी मिर्ची डाली, ये क्या डाल दी? जीरा, मसाला थोड़ा, या ज्यादा मत डाल मम्मी, नमक पाया था। अच्छा, तो मम्मी जो है ना वो स्टार्टिंग से ही हमें नई नई रेसिपी बना के खिलाते थे। कभी क्या कभी क्या, कभी मक्की के आटे के परांठे, मतलब बहुत कुछ हमें मम्मी ने खिलाया है। और ऐसा नहीं कि जंक फूड टाइप, हमेशा हेल्दी हेल्दी बना के खिलाया। पर बहुत कुछ बचपन से ही हमने, मतलब इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें पापा के साथ बाहर क्वार्टर में रहे, तो जब भी इंसान घर से बाहर रहता है तो वहाँ पे उसके आसपास में जो लोग रहते हैं वो नई नई जगहों से आके रह रहे होते हैं, नए नए बॉन्ड्स बनते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मम्मी की सहेलियाँ भी थी ना मम्मी क्वार्टर्स में, लोग ना मिलजुल कर मतलब बहुत कुछ ट्राई करते रहते थे। तो बचपन से हमने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई की हैं, खाई हैं और बहुत हेल्दी भी। तो शुरू से ही मम्मी ने हमें सब कुछ खिलाया, मम्मी पापा ने, मतलब किसी चीज़ से भी परहेज नहीं किया। इसलिए शायद आज हम, मतलब हमारा शरीर ऐसा हो गया कि हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सूट नहीं करती, मतलब सब कुछ पच जाता है। तो शुरू से ही हमारी डाइट ऐसी रखी है कि जो मर्जी हमें खिला दे, हमें ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा थोड़ा कमज़ोर हो, कभी नहीं, हमेशा हमें अच्छे से डाइजेस्ट हुआ है। पर हाँ, अब हमारी वो अलग चॉइस है कि हम बड़े होकर कुछ खाना नहीं चाहते या पसंद नहीं करते, पर शुरू से हमने सब कुछ खाया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपने बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए, छोटे होते से सब कुछ खाना खिलाना चाहिए, हर एक चीज़, किसी से भी परहेज नहीं करना चाहिए। तो ये मम्मी ने एक ड्राई परांठा बना भी लिया है और घी मम्मी बाद में लगाएंगे, तब करारे करारे बनते हैं। अगर गरम गरम घी लगाएं और करारे करें तो अच्छे रहते हैं, क्रिस्पी, नहीं तो फिर नरम पड़ जाते हैं। आज बहुत ज्यादा ठंडी सी धूप है, मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं आया धूप में बैठने का। 5 मिनट की नमाइश मिल रही है, फिर उसके बाद फिर से ठंडी सी हवा चल रही है और इतनी ठंड लग रही है। तो मैं और मम्मी ऐसे ही बैठे हुए थे बेचारे, मम्मी साथ में कपड़े भी वॉश कर रहे थे मशीन में, मम्मी ने कपड़े डाले हुए हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज के लंच का इंतज़ाम थोड़ा मैं करती हूँ, आप बस मेरी इतनी सी हेल्प कर दो कि राइस को बॉईल कर दो। तो मम्मी अभी वही चावल को बॉईल कर रहे थे, तो मम्मी ने अपना काम कर दिया और मैंने सोचा कि कुछ खास ना बनाया जाए, सिंपल सा फ्राइड राइस ही ट्राई करते हैं, वही खाते हैं। तो मेरा तो फेवरेट है नमकीन चावल, सिंपल कुकर में डाल के बनाओ या बने हुए चावल को फ्राई करो, मुझे तो बहुत पसंद है और हमारे घर में सभी पसंद करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद हम लोग खाते रहते हैं। मत करो मम्मी। तो मैं वो बना रही हूँ सिंपल से बिल्कुल, और मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी कढ़ाई चढ़ गई
और चावल हाँ जी मैंने, टमाटर प्याज और ये कैप्सिकम काटे हैं थोड़े से मुझे इसमें डालने हैं क्योंकि शिमला मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। तो दोस्तों फ्राइड राइस की रेसिपी तो आपको पता ही है मेरी, मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ये तो क्या ही शेयर करनी। तो ऐसा करते हैं कि हम अभी चावल बना लेते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में ही। को तो नहीं सीखनी मम्मी मेरी रेसिपी सीखना है नमकीन चावल देसी स्टाइल में मैं तो अपने आप ही सीख गई है ना, मैं तो अपने आप ही सीख के आई थी और क्या। मैं नहीं बोलती, मैं सच में बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हूँ, ये मैं खुद बोलती हूँ, मैं इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, पर मेरे को सिखाने वाली मेरी माँ है मम्मी पापा ने मुझे सच में, मैं भी और मेरा, सच में ये मजाक की बात नहीं है, मैं भी और मेरा भाई भी मतलब अच्छा खाना बना लेते हैं। कोई भी हमारे हाथ का खाना खाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये क्या बना दिया या क्या खिला दिया, है ना मम्मी, बना लेते हैं हम अच्छा। और सच में अपने हाथ का खाना कई बार ये होता है ना कि खुद को अच्छा नहीं लगता, कि कई होते हैं जिनको पसंद आ जाता है कि चलो जैसा मर्जी हमने खुद बनाया हम खाएंगे, पर मैं वैसी नहीं हूँ, कई बार कई चीज़ें होती है जो मुझे खुद बना के अच्छी नहीं लगती कि नहीं ये आज मैंने क्या बना दिया। पर ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो यही बोलूँगी कि हम सच में टेस्टी खाना बना लेते हैं, अच्छा स्वादिष्ट और ज़्यादा मसालेदार भी नहीं, ज़्यादा ऑयली भी नहीं, और मेरा भाई भी उसकी भी तारीफ ही है, मतलब उसके हाथ का सिंपल दाल का तड़का या परांठे या कुछ भी, मतलब जो उसको आप दे दो ना, वेज नॉन वेज या कुछ भी आप दे देंगे वो सब कुछ बना लेगा और बिल्कुल अच्छा टेस्टी। और यही क्वालिटी मेरे पापा की भी है कि मेरे पापा, इवन कि मैं मक्की की रोटियां बनाना सीखी हूँ तो अपने पापा से ज़्यादा मम्मी से कम, मम्मी की मैं हेल्प करती थी आटा वाटा मलने में कि हाँ थोड़ा थोड़ा बना दिया, पर पापा जब मेरे मक्की की रोटी बनाया करते थे तो मैं उनके साथ लगती थी, और मेन जो हाथ है मेरा रोटी सीखने में, मक्की की रोटी बनाने सीखने में, वो पापा के थ्रू ही है, क्योंकि मैं जब दादी के साथ बनाती थी तो भी मेरे पापा मुझे बहुत गाइड करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, टूट जाए तो क्या करें कैसे, तो मतलब अच्छे से हम बना सकते हैं सब कुछ। तो बनाने वाली थी मैं पर मेरी हेल्प मम्मी करते हैं, तो चलो अब ये भाई मेरी बातें करते करते मम्मी ने ही फ्राइड राइस कर दिए मतलब ग्रेवी रेडी कर दी है ना माँ, इसमें आपने पनीर और मटर भी डाले हैं ना। ओके और जी मम्मी ने चावल भी ऐड कर दिए, तो ये राइस जो थे ये हमारे हाफ कुक्ड थे, मतलब पूरे हमने नहीं पकाया था इनको, हाफ ही पकाया था, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ताकि जब हम इसको अभी पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाए, नहीं तो वैसे मैक्सिमम टाइम जो मैं क्या है ना वो पके हुए चावल का ही मतलब बनाती हूँ फ्राई करके, तो वो बात अलग है, पर जब हम स्पेशली करने वाले हों तैयार फ्राइड राइस तो मेरे हिसाब से चावल को हाफ कुक्ड ही रखना चाहिए, और बिल्कुल सिंपल तरीके से देसी स्टाइल में, है ना माँ। मम्मी के फ्राइड राइस अब बन गए हैं और हम लोग खा लेते हैं, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे ये देखो वाह वाह वाह, और साथ में ये हमारा सैलेड। तो लंच हमारा हो गया, और ये देखो अब मम्मी धूप हवा हमारे नीचे वाले स्लैब से चली गई थी, ऊपर वाले स्लैब पे थी तो हम ऊपर आ गए, और मम्मी अपना फ़ोन टाइम यूज़ कर रहे हैं, है ना माँ, सुबह से टाइम नहीं लगा आपको अपने सीरियल्स देखने का। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी आपको अभी जैसे दिखते हैं वो तो ठीक है, पर मेरी मम्मी 26-23 साल पहले कैसे दिखते थे मैं आपको वो दिखा दूँ एक बारी लेकर आई थी मम्मी पापा की शादी की एल्बम, मुझे दिखाना था और आप लोगों ने देख भी लिया, ये देखिए हीरो हीरोइन। तो मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 11 दिसंबर 1996 में, तो ये तब की फ़ोटोज़ हैं और आप देख सकते हो पहले ये कैसे थे, पहले के टाइम में दुल्हनें कैसी होती थी, पूरी माथे पे बिंदिया शिंदिया लगा के कैसे रेडी होती थी, है ना,
है ना मम्मी, टिक्के डारे। कितने साल के थे आप उस टाइम? 21। पापा 25 साल के। देखो मम्मी की अंगूठियाँ। तो उस टाइम ना चांदी का ज़्यादा प्रचलन था, तो ये जो चंबियाली गहने पहने हुए हैं, बालू और टीका, ये सोने का होता था। बाकी जो ये चांदी के कंगन मम्मी ने पहने हैं, और सेट सूट है मम्मी, नेकलेस भी मम्मी का चांदी का था। तो मम्मी का मेरे नेकलेस चांदी का, और मंगलसूत्र भी है माँ, चांदी का मंगलसूत्र। हाँ, ये चांदी का कंगन, ये सोने के मांग टीका और बालू, और साथ में चांदी का नेकलेस और चांदी का मंगलसूत्र। आपने चांदी का मंगलसूत्र पहना था? गरीब ना सी हो, अमीर थोड़ा। गरीब अमीर की बात नहीं अम्मी, जो टाइम पहले का था उस टाइम वैसी चीजें हुआ करती थी, अब सोने की चीजें हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो गरीब नहीं हम। ये थी मम्मी पापा की शादी की ड्रेस, पापा का पेंट कोट, और मम्मी ने सूट पहना हुआ था, है ना, सतरंगी सा। ये वेलवेट का सूट है, तो अच्छा है पिंक कलर का। जिस टाइम जिस चीज का प्रचलन हो उसी चीज के हिसाब से चलना पड़ता है। और ये था मम्मी का दुल्हन वाला दुपट्टा, मतलब जिसको हम बोलते हैं रीढ़ा, ये शादी वाला दुपट्टा था ना आपका, और मम्मी के बड़े बड़े लंबे लंबे से क्लीरे, और मैंने भी अपनी शादी में यही वाले क्लीरे ऐसे ऐसे बनवाए थे, बिल्कुल एकदम रियल। मांग भी अपनी उल्टी साइड से निकालते थे, है ना, बीच से नहीं निकालते थे। पहले आप कैसे थे मम्मी, कितने कमज़ोर थे, देखिए आपकी साड़ी। हाँ, फोटो तब की है जब मम्मी विदा होके अपने ससुराल पहुंच गए थे, और नेक्स्ट डे ये पनिहारा पूजन की फ़ोटो है ना। तो शादी शुदी की तो जो मेन फ़ोटोज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी, पर एक दो फ़ोटो जो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये शादी के बाद की है, और पापा की है, न्यूली मैरिड कपल। ये गए थे कहीं घूमने, मंदिर है ना, ज्वाला जी जलंधर। तो ये थी आपकी शादी की कुछ यादें मैडम। मेरे माता पिता की शादी ऐसे पकड़ो, ये देखो एक फोटो ये दिखा दूँ। ये मेरे दादू, ये दादी, ये नानू, ये नानी, ये मम्मी, ये पापा। अब दादू और नानू नानी हमारे बीच में नहीं है, सिर्फ हमारे दादी हैं हमें देखने के लिए। तो ये लोग अब जहाँ भी हैं, भगवान इन्हें अच्छे से रखे, ये नया जन्म लेकर कहीं अच्छी योनि में हो, है ना मम्मी। तो बड़ी भारी एल्बम है ये, उस टाइम की एल्बम्स कैसी होती थी। तो ये थी कुछ मेन तस्वीरें जो आप लोगों के साथ मैंने दिखाई। इसी के साथ हम अपने व्लॉग का यहीं पे कर रहे हैं, एंड आई होप कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना माँ। बाय कर दो, बाय।